नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। दोस्तों, वीडियो के टाइटल में मैंने जो लिखा है कि अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो ये काम और करें, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सही बात है। इस वीडियो में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। हम लोग कुछ 2 महीने से सीख रहे हैं, कुछ 6 महीने से सीख रहे हैं, कुछ सालों से सीख रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। हम लोग डेली रियाज भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, अलग अलग प्रकार के गाने भजन वगैरह उठा करके हम उनको सीखते भी हैं। तो अब क्या है कि एक समय के बाद में एक नीरसता आने लगती है। तो हमको क्या करना है कि हमारे दिमाग के अंदर या हमारे मन के अंदर वो नीरसता वाला भाव नहीं लेके आना है। आप ये करेंगे कि अलंकार बस वही ठीक है। कारण ये है कि अगर आप जिस भी स्केल से जो चीज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लो कि मैं या कोई और सी शार्प से यहां से अगर प्रैक्टिस करता है, वो जो अलंकार बजा रहा है थाट में या कोई सॉन्ग बजा रहा है, सी शार्प से बजा रहा है, सारे गा मा प ध नी सा सा नी दा पा मा ग रे सा, ठीक है। अब ये डेली हो रहा है तो अब क्या हो रहा है कि उसके ये जो फिंगर्स हैं, जो दिमाग के अंदर सारे सुर दिखने लग गए हैं, सब चीज मतलब कि आसान सी हो गई है, तो उसके अंदर एक ना एक उत्सुकता वाली या कोई नई चीज वाली ऐसी कोई बात नहीं रह गई है। तो दोस्तों, हमेशा नया आपको अपने हिसाब से इम्प्रूव करना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब क्या, अब तो हम राग सीख लेते हैं, सीख रहे हैं, गाने सीख लेते हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करते रहते हैं, लेकिन नया काम वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। वो ये है कि अगर आप जिस भी स्केल से प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिस भी स्केल से आप बजाते हैं, वहाँ से आप 1 या 2 बटन आगे बढ़ जाइए। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, अगर आप सी शार्प से अगर प्रैक्टिस करते हैं, यहां से आप अगर गाना गा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अब आपका समय हो गया कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 बटन आगे आ जाना है। तो जैसे मान लो कि ये हो जाएगा हमारा डी शार्प, या आप ये कहें कि मध्य सप्तक की दूसरी काली, आपको दूसरी काली से अब हर काम करना है। आपने इससे पहले जो सॉन्ग बजाए हैं इस काली से बजाने हैं, अब से पहले जो आपने अलंकार किए हैं इस काली से करने हैं, जो भी आपने काम किया है इस वाली काली से वो आपको अब इस काली से करना है। अगर आप यहां पर थे, बात समझना, अगर आप यहां पर थे, जैसे कि फीमेल में होता है या मेल के अंदर भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग वॉइस का अलग अलग रेंज होता है, तो कुछ लोग यहां से करते हैं, तो कृपया करके आप अपना जो है स्केल आगे खिसका ले थोड़ा सा, जैसे कि आप यहां से करें सारे गामा पाधा नीसा, ठीक है। अब जो लोग यहां से करते हैं वो यहां से करें। अब समस्या ये आती है कि उनको कंफ्यूजन होगा कि हम लोग कैसे करें। देखिए, सिंपल फंडा है, उस चीज को समझते जाइएगा। मैं पहले भी कई वीडियोज के अंदर बता चुका हूं कि सा और रे, मैं शुद्ध स्वरों की बात कर रहा हूं, सा और रे के बीच में 1 बटन, रे और गा के बीच में 1 बटन, गा और मा के बीच में कोई बटन नहीं होता। ये चाहे कहीं से भी शुरू कर लो आप, फिर मा और पा के बीच में 1 बटन, पा और धा के बीच में 1 बटन, धा और नी के बीच में 1 बटन, और लास्ट में जो नी और सा आता है इसके बीच में कोई बटन नहीं होता। फाइनली 2 चीज आपको समझ में आई होगी कि जहां पर गा है, जैसे ये गा है, गा और मा, आप देखें अगर यहां से भी देखें तो गा और मा इनके बीच में कोई बटन नहीं है, और इस प्रकार से ये नी और सा के बीच में कोई बटन नहीं है, बाकी सारे सुरों के बीच में शुद्ध स्वर, ठीक है, सारे सुरों के बीच में एक एक बटन का अंतर होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने दिमाग में बिठा के रखना है। आप आंख बंद करके कहीं से भी शुरू करिए, चलिए आप यहां से करेंगे, तो अब आप शुद्ध स्वर में बात कर रहा हूं, फिर बोल रहा हूं कि आपको रे ढूंढना है, तो 1 बटन छोड़ करके ये मेरा रे हो जाएगा, 1 बटन छोड़ करके ये मेरा गा हो जाएगा, 1 छोड़ दिया ना, और गा के तुरंत बाद में मा आता है तो ये मा हो जाएगा, मा को 1 छोड़ करके पा, 1 छोड़ करके धा, 1 छोड़ करके नी, और तुरंत बाद में सा हो जाएगा। बात समझे? तो इस प्रकार से आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से कि गा और मा के बीच में कोई गैप नहीं होता है,
और नी और सा, जो तार सप्तक का सा है, नी और सा, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लगातार सुर होते हैं। बाकी सारे सुर हैं जो शुद्ध हैं, उनके बीच में एक एक सुर का अंतर होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि सा और रे के बीच में रे कोमल होता है, रे शुद्ध और गा शुद्ध के बीच में गा, ये तो आपको पता होगा ही, लेकिन आप पहले शुद्ध स्वरों से प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैं अभी सी शार्प से करता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है और मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या करता हूं वो मैं वीडियो बनाने के हिसाब से यहां से करता हूं, अदरवाइज मैं इस पे फोकस करता हूं। तो इसमें क्या है कि कोई बंदा आपको ऐसा मिले, अगर आप प्ले भी कर रहे हैं तो आपको अलग अलग स्केल का भी नॉलेज हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि गा और माँ के बीच में गैप नहीं है, नी और सा के बीच में गैप नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो जहां कहीं से आप बजाएंगे ना, आपको सुर दिखेंगे। तो जैसे कि ये सा हो गया, उसके एक छोड़ करके रे, एक छोड़ करके गा, गा के तुरंत बाद में मा, एक छोड़ करके पा, एक छोड़ करके धा, एक छोड़ करके नी, और नी के तुरंत बाद में सा। तो ये मेरा हो गया सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आप यहां से कर रहे हैं और यहां से अब आप करेंगे, तो आपका ब्रेन है ना वो काम आएगा, आपका जो ये मस्तिष्क है वो काम में आएगा, और ये जो मस्तिष्क है ना इसको बचा के हमको नहीं रखना है, ये कोई काम नहीं आएगा, ठीक है ना। कहते हैं कि माँ सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और जो जोड़े घट जात। तो घटाना नहीं है इसको, जितना खर्च करेंगे हम लोग उतना ही पाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और ये नई एक्सरसाइज चालू करें, आप जिस भी स्केल पे बजाते हैं उस स्केल से आगे बढ़े, तो आपका जो गला है ना वो भी, अगर गाने के हिसाब से हम बात करें तो वो भी बढ़ेगा। जब आप रे पे जाएंगे, जैसे सा के बाद में तुरंत अगर हम रे पे जाएं, तो यहां पर यहां तक की आपको प्रैक्टिस होगी। धीरे धीरे आप ये यहां से है, फिर आप उसको धीरे धीरे यहां से बढ़ाना, यहां से बढ़ाना, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से बताने का उद्देश्य यही था कि हमेशा अपने काम के अंदर नवीनता यानी कि नयापन हमेशा लेके आते रहना है, बोर नहीं होना है। अगर बोर हो गए ना तो फिर उस चीज में मजा जब नहीं आता है ना, तो वो चीज फिर खलास, खत्म है, ठीक है। तो इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि जिस स्केल पे आप गाना गाते हैं या बजाते हैं उससे स्केल चेंज करिए, इससे आपको सुरों का बहुत अच्छा दिखने लगेगा, पिक्चर क्लियर दिखेगा। तो इस चीज को बताना मेरा इस वीडियो का उद्देश्य था। जैसे कि मैं यहां से अगर करता हूं और मैं कोई अलंकार सारे गामा पादा नीसा, अब मैं रे पे जा रहा हूं लेकिन ये मेरा सा है, अगर मैं आप इस पे प्रैक्टिस करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा जो गले का रेंज है ना वो बढ़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैं धीरे धीरे, अगर कई बार आपने देखा यहां से करता हूं तो मैं यहां तक ही जा पाता हूं, या यहां तक, यहां जाते मेरी वॉइस मतलब फटने लगती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करूंगा कि धीरे धीरे जो जो टाइम बीतेगा मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा जितना हो सकता है। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब आप कहीं सिंगिंग करें तो अपनी स्केल में गाएं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिस की या रियाज की बात आती है तो ऐसी सिचुएशन में आप 6 महीने से अगर लगातार कर रहे हैं तो आपको उसी स्केल पे नहीं रहना है, आपको अगली स्केल पे बढ़ जाना है, ये कंपलसरी है, इस चीज को ध्यान रखें। बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी इश्यू हो तो उसे कमेंट में लिखें, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।